हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको साइट सुपरवाइज़र की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताऊंगा कि उसका मेन काम क्या होता है, उनको उसको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए यहाँ पे। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको आ रहे हैं या आ जाएंगे या इस चीज़ के बारे में आप ये काम कर सकते हो तो आपके लिए बहुत ईजिली होगा यहाँ पर साइट सुपरवाइज़र की जॉब को पाना, ठीक है ना। तो हर पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि पहले ही मिनट में, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, 4 से 5 मिनट का वीडियो रहेगा, उसी के अंदर सारा चीज़ मैं बता दूंगा। क्योंकि चीज़ें तो काफ़ी थी लेकिन उसको मैं शॉर्ट में करके बताऊंगा जिससे आपको ईजिली समझ में आ जाए। ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं बनाऊंगा, ठीक है। पहले तो डे टू डे आपको अपडेट रहना, ठीक है ना। डे टू डे में अपडेट का मतलब हर चीज़ में अपडेट रहना, लेबर में, मटेरियल में क्या कम है, क्या ज़्यादा है, कहाँ पे, जैसे कहाँ पे साइट है, कहाँ पे इंस्टॉल करना है, साइट को इंस्टॉल करना है, कहाँ पे कितना मटेरियल का ज़रूरत है अगले दिन। उसके अगर आप अगले दिन का भी रेडी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगले दिन कितने मटेरियल की ज़रूरत है, कितने इस लेबर की ज़रूरत है, नाइट में काम है कि दिन में काम है, या जब आपका ड्यूटी है उस टाइम का देखना है। और क्या बोलते हैं, ये चीज़ आपको इंजीनियर को, जो आपके ऊपर रहेगा वो इंजीनियर ही आपके ऊपर रहेगा, साइट सुपरवाइज़र के ऊपर ज़्यादातर इंजीनियर ही, साइट इंजीनियर रहता है, उसको आपको रिपोर्ट। पॉइंट में आपको सेफ्टी के साथ काम को करना है और अपने बजट में काम करना है। सेफ्टी के साथ इसलिए बजट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब सेफ्टी से करोगे तो कोई मतलब हादसा नहीं होगा, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा जिससे आपका बजट ऊपर नहीं जाए, क्योंकि कोई भी कुछ भी होगा तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे साइट रुक सकता है, स्टॉप हो सकता है, काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए सेफ्टी सबसे ज़्यादा ध्यान देनी होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है। सेफ्टी के लिए दो तीन सेफ्टी ऑफिसर टहलते रहते हैं जब तक वर्क चलता रहता है, वो ऐसे भी रहते हैं लेकिन वर्क के टाइम तो 2-3 रहते हैं और बहुत स्ट्रिक्टली रहते हैं, ठीक है। सेफ्टी और क्वालिटी के साथ काम होना चाहिए, ये चीज़ पे पूरा ध्यान देना है कि क्वालिटी, सेफ्टी, लेबर सेफ्टी तो सबसे ज़्यादा काम में। सेफ्टी को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, अगर सेफ्टी ऑफिसर ने देख लिया तो बहुत बड़ा इशू हो जाएगा, बहुत बड़ा इशू। इसलिए सेफ्टी को लेके यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली रहते हैं सेफ्टी ऑफिसर। तीसरे पॉइंट में मैं यही बताना चाहूँगा, आपके होल साइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही रहती है क्योंकि साइट पर सबसे ज़्यादा आप रहते हो। साइट इंजीनियर भी आता है, देखता है, रहता है, खड़ा रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा साइट सुपरवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। इसलिए मैं कभी भी आप मेरी वीडियो को देखोगे, सिविल से रिलेटेड जो भी मेरी वीडियो होगी उसमें मैंने हर वीडियो में बताया है कि साइट इंजीनियर आपको बनना, आप अगर बीटेक वाले हो, आप इंजीनियर हो एक तरीके से, आपने एक्सपीरियंस लिया है इंडिया में, पाकिस्तान में, अगर साइट इंजीनियर बनना है तो साइट सुपरवाइज़र फोरमैन की जॉब अगर आपको मिल रही है या चांस बन रहा है तो आप पकड़ लीजिएगा बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, क्योंकि एक इंजीनियर से भी ज़्यादा आप इसमें सीखने को मिलता है। आप वीडियो को देखेंगे तो आपको पता ही है। साइट स्टार्ट होने से पहले, कभी भी जब भी कहीं भी कंस्ट्रक्शन साइट होने जाएगी तो स्टार्ट होने से पहले जो साइट का मैनेजर होगा या इंजीनियर होगा वो आपको सब कुछ बता देगा कि साइट किधर है, फिर साइट ऑफिस कहाँ बनेगा, क्योंकि रेस्ट एरिया होता है लेबर के लिए, रेस्ट एरिया होता है इंजीनियर, कंसल्टेंट और जो भी जितने भी साइट स्टाफ होते हैं इंजीनियर सुपरवाइज़र के ऊपर, उनके सुपरवाइज़र तक, फोरमैन, सुपरवाइज़र, इन सब के लिए एक ऑफिस बनाया जाता है, तो साइट से करीब में ही बनाया जाता है। तो मैनेजर, इंजीनियर जो भी रहेगा वो आपको बता देगा, साइट इंस्टॉल करना आपकी ज़िम्मेदारी रहेगी और कितने स्टाफ की ज़रूरत है ये भी आपको बताना पड़ेगा, वो भी इंजीनियर भी रहेगा आपका साथ हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा हूँ कि अगर वो नहीं भी रहा तब भी आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपके इंजीनियर आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, क्योंकि सुपरवाइज़र काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, ठीक है ना, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी रहेगी साइट ऑफिस कहाँ पे इंस्टॉल करना है जिससे काफ़ी कोई दिक्कत ना हो, लंबे समय तक साइट ऑफिस बना रहे वहाँ पे, ऐसा ना हो कि आज यहाँ बना के रखा गया कल वहाँ बना के रखा गया। वैसे इंजीनियर बताएगा, मैनेजर भी जो रहेगा, सीएम रहता है, वो बताएगा कि साइट ऑफिस कहाँ बताना। प्रिपेयरिंग द साइट, आपको साइट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, कैसे प्रिपेयर करना, क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या मटेरियल पड़ेगी, क्या सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, क्या क्या कमी, क्या क्या चाहिए आपको, मतलब जितना भी आपको समझ में आएगा सब कुछ आप बताओगे और जो इंजीनियर को आएगा वो भी आपको बताएगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इसमें कोई ये ना सोचिएगा कि आप अकेले ही रहोगे, ठीक है ना, इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर भी होते हैं, वो भी रहेंगे, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना। साइट का स्टेटस जो रहता है, करंट स्टेटस, साइट इंजीनियर को आपको डे टू डे का टाइम टू टाइम बताना है कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, टाइम टू टाइम, जब तक आप ड्यूटी पे हो, जब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे साइट पे खड़े हो, तब तक आपको इंजीनियर को
हर एक घंटे पे 2 घंटे पे जैसे कंक्रीटिंग कास्टिंग हो रही है, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि ये चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ हो रहा है, ये काम हो रहा है, ज़रूरत हो या ना हो ये काम चल रहा है, यहाँ पहुँचा है, यहाँ तक ऑन गोइंग है, यहाँ तक काम हो चुका है, तो सब साइट इंजीनियर को आपको करंट स्टेटस, और आपको साइट सुपरवाइज़र को एक साइट इंजीनियर तो हो ही गया जिसे कनेक्ट रहना पड़ता है, लेकिन एक मेन ये भी सबसे कनेक्ट होता है, कभी भी आपको मैनेजर कॉल कर सकता है, कभी भी मतलब साइट इंजीनियर को आपको स्टेटस बताना ही बताना है, लेकिन आपको कभी भी मैनेजर कॉल कर सकता है, कभी कंसल्टेंट फ़ोन कर सकता है, कंक्रीट जहाँ से प्लांट जिस प्लांट से आता है उससे भी कनेक्ट रहना पड़ता है, जो लेबोरेटरी है जैसे टेस्टिंग यहाँ होती है वहाँ से भी कनेक्ट आपको रहना पड़ता है, मतलब आपको सभी से कनेक्ट रहना पड़ता है, एक तरीके से बहुत ही अच्छी बड़ी और बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनना है तो साइट सुपरवाइज़र बनने की कोशिश करिए, कोशिश करिए कि साइट सुपरवाइज़र की ही जॉब ढूंढें, वो भी ढूंढे, ऐसा नहीं है मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको साइट सुपरवाइज़र की कोशिश करेंगे तो उससे ज़्यादा चांसेस इसके बन सकते हैं मिलने के, चाहे साइट सुपरवाइज़र साइट फोरमैन की जॉब अगर कहीं भी खाली रहेगी सिविल से रिलेटेड, आप अगर सिविल की ढूंढ रहे हैं तो आप बेहिचक उसको कर लीजिएगा बिना शर्माए, ये नहीं कि मैं इंजीनियर मैं साइट सुपरवाइज़र कैसे बनूँ, आप खुद रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सुनिए, इतनी ज़्यादा अगर आप 2 साल कर लोगे तो आपको कितना काम आ जाएगा आपको। और हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, आपको ड्राइंग आनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ड्राइंग आएगी तभी ड्राइंग अच्छे से आना चाहिए, आपको ड्राइंग अगर आएगी पढ़ना स्टडी करना आएगी ऑटो कैड पे, बेसिकली ऑटो कैड पे तो आनी ही चाहिए हर हाल में, यहाँ पे वो तो वो जो क्या बोलते हैं मैनुअल होती है वो तो जो ऑफलाइन वाली पेपर वाली होती है वो तो आपको आनी ही चाहिए, लेकिन क्या बोलते हैं कि ऑटो कैड पे आपको आना ही चाहिए, ड्राइंग पढ़ना स्टडी करना कौन सा पॉइंट कहाँ से गुजर रहा है क्या किसको किस पॉइंट को क्या बोलते हैं, आपको वो चीज़ आनी ही चाहिए, ठीक है ना, अगर आप साइट के लिए सुपरवाइज़र या फोरमैन या इंजीनियर की आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मतलब जॉब करना जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको हर हाल में आनी चाहिए, चाहे आप जॉब कर ढूंढ रहे हो या पढ़ाई स्टडी कर रहे हो, ठीक है ना, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए कि आपको ड्राइंग आना ही चाहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर किया करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, जैसे लाइक करेंगे ना तो और भी लोगों के पास वीडियो पहुंचेगी, क्योंकि मैं सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं, ऐसा है नहीं कि किसी एक के लिए बना रहा, जिससे सभी को हेल्प मिल सके, अगर वीडियो को पूरा देखेगा तो उसको कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प मिलेगी, ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर आप आए हैं यहां तक वीडियो देखा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरी आने वाली कोई भी अपडेट सिविल से हो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या एनी अपडेट एनी मैं एक पोल भी करूँगा अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उस पर मैं ब्लॉग भी इस पे इसी चैनल पे डालना चाहूँगा, ब्लॉग का मतलब है इन्फो ब्लॉग होगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी फर्जी चीज़ होगी, इसमें हर चीज़ का इन्फो होगा, अगर आप दुबई में आ चुके हो आपको कुछ ऐसे जैसे कुछ भी ख़रीदना हो या कोई सस्ता से सस्ता चीज़ या कुछ भी आपको जो हेल्प कर सके आपके पैसे को बचा सके, मैं उस चीज़ के उस टाइप के ब्लॉग बनाऊँगा, आप जब मैं बनाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं अभी इस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।